पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ न्यूसेलस या नेके डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस यानी गुरु बीजाणु जनन। इसमें हम देखते हैं कि न्यूसेलस डेवलप हो गया है, इसके चारों तरफ इंटेगुमेंट भी डेवलप हो गया है। न्यूसेलस यानी मेगास्पोरेंजियम कहलाता है। न्यूसेलस में हम देखते हैं कि एक सेल अन्य सेल्स की बजाय ज़्यादा उसका जो साइटोप्लाज्म है वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो संघनित हो जाता है और ये सेल अपने दूसरे कोशिकाओं से अलग से पहचानी जाती है क्योंकि इसमें घना प्रोटोप्लाज्म है, केंद्रक भी बड़ा हो जाता है। अब इस सेल को जो कि दूसरी कोशिकाओं से बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है, ये मेगास्पोर मदर सेल की तरह फंक्शन करती है और इसे हम मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। इस मेगास्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है और चार स्पोर्स बनते हैं, चार मेगास्पोर्स बनते हैं। ये मेगास्पोर्स लीनियर टेट्राड के रूप में होते हैं, एक रेखीय चतुष्क लीनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर्स बनते हैं। और हम यहाँ देखते हैं कि ये जो टेट्राड बनते हैं माइक्रोपिलर रीजन की तरफ वाले तीन मेगास्पोर्स डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और जो चेलाजल रीजन की तरफ वाला मेगास्पोर है वो फंक्शनल रहता है। ये फंक्शनल मेगास्पोर ही आगे चलकर फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। इस तरह से मेगास्पोरेंजियम डेवलप हुआ। मेगास्पोरेंजियम में फीमेल गैमेट यानी मेगास्पोर डेवलप होता है और मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं साइकस के मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, गैमेटोफिटिक जनरेशंस का डेवलपमेंट पढ़ेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे पहले डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट माइक्रोस्पोर से होता है यानी माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट की मदर सेल के रूप में कार्य करता है। माइक्रोस्पोर हैप्लोइड होता है, गोल स्ट्रक्चर है जिसकी वाल में बाहर की तरफ एग्जाइन है, इनर इंटाइन होती है। इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या 11 होती है और साइटोप्लाज्म में स्टार्च प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें हम देखते हैं कि जब माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही होते हैं तभी इनका जर्मिनेशन प्रारंभ हो जाता है और फिर इसमें माइक्रोस्पोर का जो फर्स्ट डिवीजन इरेगुलर डिवीजन होता है, एक छोटी प्रोथेल दो मतलब ए समान कोशिकाएं बनती हैं, एक छोटी प्रोथेलियल सेल और एक बड़ी वेजिटेटिव सेल बनती है। वेजिटेटिव सेल के एक प्रोथेलियल सेल यानी वेजिटेटिव सेल और एक बड़ी एंथ्रीडियल सेल बनती है। वेजिटेटिव सेल यानी प्रोथेलियल सेल मेल गैमेटोफाइट की जब तक मेल गैमेटोफाइट है तब तक वो बनी रहती है और एंथ्रीडियल सेल फिर डिवाइड होती है। एंथ्रीडियल सेल के डिवाइड होने से एक छोटी जनरेटिव सेल बनती है और एक बड़ी ट्यूब सेल बनती है। इस तरह से अब ये गैमेटोफाइट थ्री सेल्ड स्टेज में होता है, एक प्रोथेलियल सेल, एक जनरेटिव एक ट्यूब सेल और एक जनरेटिव सेल। यहाँ हम देखते हैं एक प्रोथेलियल सेल, एक छोटी जनरेटिव सेल और एक बड़ी ट्यूब सेल। इन तीन को थ्री सेल्ड स्टेज में माइक्रोस्पोर्स मेगास्पोरेंजियम से बाहर आ जाते हैं यानी जब मेगास्पोरेंजियम का डहिसेंस होता है तो ये थ्री सेल्ड स्टेज वाला मेल गैमेटोफाइट मेगास्पोरेंजियम से बाहर आ जाता है और इसके बाद यहाँ पर पोलिनेशन होता है। साइकस में एनिमोफिलिस यानी विंड पोलिनेशन होता है, हवा में तैरते हुए ये माइक्रोस्पोर थ्री सेल्ड माइक्रोस्पोर्स या थ्री सेल्ड मेल गैमेटोफाइट साइकस के ओव्यूल
पर जो माइक्रोपाइले वहाँ तक पहुँचते हैं। पॉलिनेशन के समय हम देखते हैं कि जो साइकस का ओव्यूल है उसके माइक्रोपिलर रीजन में म्यूसिलेजिनस बूंदें सीक्रेट होती है और इसको पॉलिनेशन ड्रॉप कहते हैं। ये थ्री सेल्ड मेल गैमेटोफाइट यहाँ इस म्यूसिलेजिनस पदार्थ के ऊपर चिपक जाते हैं, यानी कि पॉलिनेशन ड्रॉप के ऊपर चिपक जाते हैं और ये पॉलिनेशन ड्रॉप जैसे जैसे ड्राई होती है सूखती जाती है, माइक्रोस्पोर्स पोलन चैम्बर में खींचते चले जाते हैं। अब आगे का डेवलपमेंट पोलन चैम्बर में होता है, ओव्यूल के माइक्रोपिलर रीजन में जहाँ पोलन चैम्बर है वहाँ ये माइक्रोस्पोर्स पहुँच जाते हैं और आगे का डेवलपमेंट वहाँ होता है। यहाँ हम देखते हैं कि जो इसके ट्यूब सेल है ये माइक्रोस्पोर की वाल को भेजते हुए ट्यूब के रूप में बाहर निकलती है जिसे पोलन ट्यूब कहते हैं। पोलन ट्यूब पॉलिनेशन पोलन ट्यूब ये क्या पॉलिनेशन चैम्बर में ग्रोथ करती है, बढ़ती है और ये पोलिन जो ये ट्यूब है जो कि पोलन चैम्बर के अंदर ग्रो कर रही है पॉलिनेशन ट्यूब पोलन ट्यूब, ये इसमें जनरेटिव न्यूक्लियस होता है और ये पोलन ट्यूब एक तरह से होस्टोरियम का काम करती है। ये कैरियर ऑफ मेल गैमेट के बजाय होस्टोरियम का काम करती है और ये न्यूसेलस से जो न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब करती है। कई बार इस पोलन ट्यूब में जैसे रूट्स में ब्रांचेस डेवलप हो जाती हैं वैसे ब्रांचेस डेवलप हो जाती हैं और ये जो आसपास के टिश्यूज हैं वहाँ से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो जनरेटिव सेल है उसमें डिवीजन होता है और उससे एक स्टॉक सेल और बॉडी सेल बनती हैं। स्टॉक सेल एक तरह से गैमेटोफाइट का स्टॉक होता है पर यहाँ पर ये सेल के रूप में ही होती है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि मेल गैमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेटोफाइट्स का निर्माण होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बीच 4 महीने का गैप होता है, मतलब जब पॉलिनेशन होने के 4 महीने बाद फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन से ठीक पहले बॉडी सेल 2 सेल्स में डिवाइड होती है। यहाँ पर प्रत्येक सेल में ब्लू फेरोप्लास्ट होता है जो केंद्र के चारों तरफ छोटे छोटे कणों में टूट जाता है और इन कणों से फ्लैजिलम बनती है जिससे कई कणों से कई फ्लैजिला बन जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मेल गैमेट बनता है और कुल 2 मेल गैमेट 2 पुमनु बनते हैं, 2 मेल गैमेट्स बनते हैं जो मल्टी फ्लैजिलेट होते हैं और ये इनका आकार टॉप शेप्ड होता है, लट्टू के आकार के होते हैं और इसमें हम देखते हैं 5-6 सर्पिल माइक्रोन होते हैं जो बिना आँखों से बिना किसी लेंस की सहायता से देखे जा सकते हैं। जिस तरह से साइकस का ओव्यूल पादप जगत में सबसे बड़े साइज का ओव्यूल होता है, इसी तरह से साइकस के मेल गैमेट भी पादप जगत प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में सबसे बड़े साइज के होते हैं। मेल गैमेट का साइज 180 से 220 माइक्रोन तक होता है और ये एक मल्टी फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से इसका एक फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट में आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि जो माइक्रोस्पोर है 2 सेल्स में डिवाइड होता है, छोटी प्रोथेलियल सेल और बड़ी एंथीडियल सेल। प्रोथेलियल सेल में फिर आगे कोई डिवीजन नहीं होता है और एंथीडियल सेल डिवाइड होकर एक बड़ी ट्यूब सेल और जनरेटिव सेल बनाती है। ट्यूब सेल एक पोलन ट्यूब के रूप में एग्जाइन और इंटाइन से बाहर आ जाती है। जनरेटिव सेल में फिर यहाँ पर हम देखते हैं जनरेटिव सेल
ट्यूब सेल और प्रोथेलियल सेल थ्री सेल्ड स्टेज में पॉलिनेशन होता है। एनिमोफिलस पॉलिनेशन के द्वारा ये माइक्रोपिलर चैम्बर में पहुँचते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जनरेटिव सेल है दो सेल्स में डिवाइड होती है, एक स्टॉक सेल और एक बॉडी सेल। बॉडी सेल डिवाइड होकर दो मेल गेमिट्स बनाती है और ये मेल गेमिट्स मल्टीफ्लेजिलेट स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर जो कोशिका में देखते हैं कि जो ब्लीफेरोप्लास्ट है वो छोटे छोटे कणों में टूट जाता है और हर कण से फ्लेजिलम डेवलप होता है और इस तरह से ये मल्टीफ्लेजिलेट स्ट्रक्चर होता है। कल हम पढ़ेंगे फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कितना होता है।